हेलो दोस्तों, मेरा चैनल खाना खुशबू भरा में आपका स्वागत है। देखिए, आज मिलेट खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। मिलेट ले लिए हैं और मूंग दाल लिए हैं। जितना मिलेट है उसका आधा मूंग दाल लिए हैं। देखिए, एक बाउल मिलेट है, हाफ मूंग दाल है। देखिए, टमाटर, फूलगोभी, प्याज, आलू, गाजर सब ले लिए हैं, इसमें डालेंगे। देखिए, अब प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं मिलेट खिचड़ी का। तेल डाल दिए हैं कुकर में, तेल गर्म हो गया है। अब इसमें तड़का डालेंगे। देखिए, छोटी इलायची दो है, दो लौंग है, दालचीनी का टुकड़ा है और जीरा है। तड़का डाल रहे हैं। एक तेज पत्ता डाल दिए, हींग डाल दिए। देखिए, बारीक प्याज काट करके डाले हैं, जो तीन प्याज लिए थे। अब इसे फ्राई करेंगे, प्याज को गोल्डन भुनेंगे। दोस्तों, मिलेट का खिचड़ी बहुत ही टेस्टी रहता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। आप भी बनाइएगा अपने घर पर एक बार। देखिए, आलू और गाजर जो लिए थे उसको भी काट करके इसमें डाल दे रहे हैं। डाल करके साथ में ही फ्राई करेंगे प्याज के साथ, नहीं तो प्याज जल जाएगा। देखिए, आलू गाजर फ्राई कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, फूलगोभी भी डाल दिए हैं। फूलगोभी को भी फ्राई करेंगे साथ में। आलू गाजर फ्राई हो गया है। अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच ले लिए हैं। अब देखिए, मसाला पाउडर लिए हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर रेगुलर रहता है जो, और ये हल्दी पाउडर, ये सब मसाला भी डाल दे रहे हैं। एकदम थोड़ा थोड़ा लिए हैं, खिचड़ी में ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता है। चौथाई चम्मच ही लिए हैं, 1/4। देखिए, सब डाल करके भून रहे हैं। दोस्तों, मुझे भी सपोर्ट करिए। एक टमाटर लिए थे उसको भी काट करके डाल दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगता है, मेरा रेसिपी कैसा लगता है, अच्छा लगे या बुरा लगे बताइए। देखिए, नमक भी डाल दिए हैं। देखिए, अब भुना गया है। थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दिए हैं। अब इसे भी चला लेंगे। मटर का दिन नहीं है अभी, इसलिए हम मटर नहीं डालें। देखिए, ये मूंग का दाल है,
धो करके ले लिए हैं, पहले से धो करके रख दिए थे। और मिलेट को भी देखिए धो करके रख दिए थे, कितना अच्छा दिख रहा है। मिलेट भी डाल दिए, अब एक साथ भुनेंगे एक मिनट। मिलेट का पुलाव भी बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। मिलेट हेल्दी फूड है, डायबिटीज पेशेंट भी खा सकते हैं मिलेट। चावल खाना वर्जित है डायबिटीज पेशेंट को। देखिए पानी, तीन गुना पानी डालेंगे खिचड़ी में, एक कटोरी और आधा कटोरी मूंग दाल और मिलेट था तो उसका तीन गुना पानी डालेंगे खिचड़ी बनाने के लिए। देखिए आपको पूरा साफ दिख रहा है कि पानी कितना डाले हैं। अब कुकर बंद कर देंगे और दो सीटी आने तक ही पकाएंगे। एक बार ज़रूर आप अपने घर पर मिलेट का खिचड़ी बनाइएगा। देखिए खिचड़ी तैयार हो गया है। देखिए खिचड़ी में ऊपर से तड़का लगाने के लिए घी लेंगे। फ्राइंग पैन रख दिए हैं, घी डाल दिए हैं। दो चम्मच घी ले लिए हैं, इसमें जीरा डाल दिए हैं, दो मिर्च डाल दिए हैं, अब देखिए कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा डाल दिए हैं कलर के लिए। अब तड़का लगा दे रहे हैं खिचड़ी में। देखिए काफ़ी टेस्टी खिचड़ी बना है। खाने में भी अच्छा है और देखने में भी अच्छा है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।